रक्षा के क्षेत्र में भारत अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए धीरे धीरे आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है। 2 सितंबर को स्वदेश में बने विमान वाहक पोत INS विक्रांत को नौसेना को सौंप दिया गया, जो आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की प्रगति का स्वर्णिम पल रहा। INS विक्रांत के आने से हिंद महासागर में अब भारत से पंगा लेने से पहले चीन और पाकिस्तान को 100 बार सोचना पड़ेगा। अमेरिका, UK, रूस, चीन और फ्रांस के बाद अब भारत भी उन चुनिंदा देशों में शामिल हो चुका है जिसके पास स्वदेशी तकनीक से एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की क्षमता है। भारत के पास अब 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हो गए हैं। उसके पास INS विक्रमादित्य तो पहले से ही था, अब उसके पास INS विक्रांत के बाद उसकी ताकत और बढ़ गई है। आपको बता दें कि दुनिया के सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका के पास दुनिया के सबसे ज्यादा खुद के एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। उसके पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और अभी वो 3 और कैरियर बना रहा है। वहीं रूस के पास 1 एयरक्राफ्ट कैरियर है, UK के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, वहीं चीन के पास भी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जबकि 1 कैरियर पर वो काम कर रहा है। बहरहाल INS विक्रांत में भारतीय नौसेना में शामिल होते ही कई देशों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। रूस, चीन और ब्रिटेन जैसे देशों ने INS विक्रांत को लेकर क्या कुछ कहा वो आपको इस वीडियो में बताएंगे। आपको INS विक्रांत पर चीन से आए बयान के बारे में बताते हैं। दरअसल चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट में भारत को नसीहत और चेतावनी दी गई है। इसमें कहा गया है कि भारत पश्चिमी देशों की चापलूसी से सतर्क रहे और चीन को उकसाने का काम न करे। यहां आपको बता दें कि INS विक्रांत के नौसेना में शामिल होने से सबसे ज्यादा परेशानी चीन को ही है, क्योंकि हिंद महासागर क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती उसे भारत की तरफ से ही मिल सकती है। वहीं अमेरिका ने भारत को बधाई देते हुए कहा कि भारत स्वदेशी तकनीक से एयरक्राफ्ट बनाने में सक्षम 5 देशों की सूची में शामिल हो गया है। हम स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत के साथ काम करना जारी रखेंगे। आपको बता दें कि समंदर में ताकत बढ़ाने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर सबसे अहम हथियारों में से एक है। ये इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि ये न सिर्फ समंदर में बेड़ों की सुरक्षा कर सकता है बल्कि इससे हथियार भी दागे जा सकते हैं और लड़ाकू विमानों के साथ साथ हेलीकॉप्टर भी तैनात किए जा सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा YouTube चैनल आज तक।